पार्ट 9 है हमारा, हीरा और कोयला। इस पार्ट में हीरा और कोयला दोनों की बातचीत के बारे में बताया गया है। हीरा और कोयला क्या बात कर रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। हीरा, मेरे पास तू कैसे? हीरा बोल रहा है कि मेरे पास तू कैसे? कोयला बोल रहा है क्यों, मेरा और तेरा तो जन्म भर का साथ है। फिर हीरा बोल रहा है, जन्म का साथ? चल हट, दूर हो यहाँ से। हीरा ने उससे क्या कहा कि तेरा और मेरा जन्म का साथ कैसे हो सकता है, चल हट दूर यहाँ से। कोयला, क्या तू मेरी बात को झूठ मानता है? अरे हम तो सगे भाई हैं। हीरा बोलता है, क्या कहता है? अभी जन्म का साथी बन रहा था, अब भाई भी बनने लगा है। मैं गोरा चिट्टा, तू काला कलूटा, हम दोनों को देखकर भला कौन मानेगा कि तू मेरा सगा भाई है। हीरा ने क्या जवाब दिया? हीरा बोल रहा है कि अभी तो तू कह रहा था हमारा जन्म का साथ है, और अब बोल रहा है कि हम दोनों सगे भाई हैं। मैं तो कितना गोरा चिट्टा हूँ, कितना सुंदर हूँ, और तू काला कलूटा है, कौन मानेगा हमें सगा भाई। अब कोयला बोल रहा है, अरे मैं तेरा सहोदर ही नहीं बड़ा भाई भी हूँ। क्या कहा कोयले ने कि मैं तेरा सहोदर ही नहीं हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई भी हूँ। कोयले ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तेरा सहोदर यानी सगा ही नहीं हूँ, मैं तो तेरा बड़ा भाई हूँ। हीरा, हम दोनों एक से हैं। कोयला, यह तो ईश्वरीय देन है। ईश्वरीय मतलब ईश्वर की। क्या देव और दानव भाई नहीं थे? क्या कहा कोयले ने हीरे से कि क्या देव और दानव भाई नहीं थे, तो हम दोनों क्यों नहीं हो सकते? हीरा, दानव बड़े थे इसलिए दानव तू हुआ। कोयला, कौन दानव है और कौन देव, यह तो कार्य से ही विदित होगा। विदित मीन्स पता चलना, कि यह तो उसके कार्य से ही पता चलेगा कि कौन देव है और कौन दानव है, केवल मुंह द्वारा कहने से नहीं। हीरा, ठीक है, हम अपनी अपनी करनी तो देख लें कि तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य भी है या नहीं। कोयला, तुझे यदि अपनी बड़ाई का घमंड है तो तू ही अपने गुण बता। हीरा, पहले तो मेरा रूप ही देख, यदि मुझमें और गुण भी न हो तो मेरा यह रूप ही मेरी बड़ाई के लिए बहुत है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ, रंग बिरंगी किरणें मुझसे निकलती हैं, देखने वालों की आंखें खुल जाती है। हीरे ने क्या वर्णन किया अपना, कि पहले तो मेरा रंग रूप देखो तुम, मैं कितना चमकीला हूँ, जहाँ भी रहता हूँ सूरज की भांति चमकता रहता हूँ। जैसे सूरज में से किरणें निकलती हैं, ऐसे रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती है, और देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। कोयला क्या कह रहा है? अरे तू तो कंकर जैसा खान से बाहर आता है, वह तो हीरा तराश तुझे यह कृत्रिम रूप देता है। कृत्रिम मीन्स बनावटी, कि जो हीरा तराशने वाला है वह तुझे ये बनावटी रूप दे देता है। फिर तेरा अपना मौलिक प्रकाश कहाँ है? क्या कह रहा है कोयला कि जब तू खान से निकलता है एक कंकर के समान होता है, तेरे में कोई चमक नहीं होती, और हीरा तराशने वाला तुझे कृत्रिम रूप देता है, बनावटी रूप देता है, जिससे तू चमकता है, तेरा खुद का कोई प्रकाश नहीं है। तुझमें जैसी छाया और आभा पड़ी वैसा ही बन गया, कि जैसा तुझमें जैसा तुझे तराशा गया वैसा ही तू पड़ गया, वैसी ही तुझमें चमक आ गई। यदि तू कहीं अंधेरे में पड़ा रहे तो लोगों की ठोकरें। क्या कह रहा है कोयला कि यदि तू कहीं अंधेरे में पड़ा रहे तो लोगों की ठोकरें ही तुझे लगेगी। हीरा, जरा ही मैं गरम हो गया। हीरा क्या बोल रहा है कि जरा ही मैं गरम हो गया पूरी बात सुन लेता। मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, देवताओं का मंजुल मुकुट सुशोभित करता हूँ, सुंदरियों का आभूषण बनता हूँ। हीरा क्या कह रहा है कोयले से, कह रहे तू तो मेरी थोड़ी सी ही तारीफ सुन के गरम हो गया है, मेरी पूरी बात तो सुन ले,
मैं राजाओं का शिरोमणि मतलब सिर पर जो मुकुट पहनते हैं उनमें सुशोभित होता हूँ, देवताओं के सुंदर मुकुट में सुशोभित होता हूँ, और सुंदर स्त्रियों का मैं आभूषण हूँ, गहना हूँ। कोयला क्या बोलता है, तू अपने कारण सम्राटों के सिर कटाता है, बड़े बड़े राज्य तहस नहस कर डालता है, मनुष्य को इस धोखे में डालता है कि तुझे मुकुट पर लगाकर वह देवताओं को वश में कर सकता है। क्या कह रहा है कोयला कि तूने सम्राटों के सिर कटवा दिए हैं। क्यों कटवा दिए हैं, क्योंकि जिसके पास ज्यादा राज्य होता है, ज्यादा धन संपदा होती है, हीरे होते हैं, तो उन राज्यों में लड़ाइयां भी जल्दी होती है, इस कारण बड़े बड़े राज्य तहस नहस हो जाते हैं। मनुष्य को तू धोखे में डालता है कि तुझे मुकुट पर लगाकर वह देवताओं को वश में कर सकता है। हीरा, मैं बड़े बड़े राजकोषों में कितना सुरक्षा से रखा जाता हूँ, मेरे लिए पहरा चौकी लगती है, तेरे जैसा मारा मारा गलियों में नहीं फिरता। क्या कह रहा है हीरा कि मेरे लिए तो बड़े बड़े पहरे चौकी सब लगते हैं, और मैं बड़ी सुरक्षा के अंदर रहता हूँ, तेरे जैसे नहीं गलियों गलियों में मैं यूं ही पड़ा रहता। कोयला, क्या खूब, नित्य बंदी बनकर सौ सौ तालों में बंद होकर सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा जाकर तू अपने को बड़ा समझता है। क्या कह रहा है कोयला कि तुझे तो सदा बंदी बनाकर रखा जाता है, जैसे किसी कैदी को बंद रखा जाता है, ऐसे ही सौ सौ तालों में भी तुझे बंद रखा जाता है, और कांटेदार बेड़ियों में यानी कि बहुत ज्यादा पहरा लगाया जाता है, तो तू तो जकड़ा हुआ रहता है हमेशा। मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक दर दर घूमना ही जीवन का आनंद समझता हूँ। क्या समझता हूँ कि मैं स्वतंत्र तो हूँ, इसी में जीवन का आनंद है। हीरा बोल रहा है, रहने दे छोटा मुंह बड़ी बात, तू सदा जलने वाला दूसरों को उत्कर्ष कर देख सकता है। क्या कह रहा है कोयला, हीरा क्या कह रहा है कोयले से कि रहने दे छोटा मुंह बड़ी बात, कि तू अब कुछ बोल भी नहीं सकता है, इसलिए तू क्या कर रहा है, तू सदा जलने वाला है दूसरों की उत्कर्ष यानी उन्नति से, तू दूसरों की उन्नति से सदा जलने वाला है। कोयला, हाँ जलता हूँ किंतु दूसरों के लिए, कि मैं किसी दूसरे से नहीं जलता, मैं दूसरों के लिए जलता हूँ, मैं अपने कारण दूसरों को तो नहीं जलाता, मैं जलकर गरीबों की जरूरतें पूरी करता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे दिन अब पूरे हो चले हैं, संसार शीघ्र ही वह दिन दिखाने वाला है जब तेरी पूछ न रह जाएगी, वह शीघ्र ही कृत्रिम आभूषणों के बदले सच्चे आभूषण अपनाएगा। क्या कह रहा है कोयला कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं खुद नहीं जलता हूँ किसी से, मैं दूसरों के लिए जलता हूँ ताकि उनके लिए मैं काम आ सकूं, मैं अपने कारण दूसरों को नहीं जलाता, यानी मुझसे कोई नहीं जलता, मैं जलकर गरीबों की जरूरतों को पूरा करता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि अब तेरे दिन पूरे हो गए हैं। क्या कह रहा है वो कि हर इंसान के पास हीरे नहीं हो सकते, तो जरूरी ये थोड़ी ना है कि तुझे सभी अपने घर में तालों में बंद रखेंगे, संसार शीघ्र ही वह दिन दिखाने वाला है जब तेरी पूछ न रह जाएगी, कि संसार में वह दिन जल्दी आने वाला है जब तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। लोग कृत्रिम याने बनावटी आभूषणों के बदले सच्चे आभूषणों को अपनाने वाले हैं। हीरा क्या कह रहा है, देख मनुष्यता कब सच्चे आभूषण अपनाएगी, जब वह समय आएगा तब देखा जाएगा, मैं बीच में ही अपना पद त्याग क्यों करूं, तब तक के लिए बिना मांगी सलाह के लिए हृदय से धन्यवाद। क्या कहता है हीरा कि तब तक के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ जो तुमने मेरे बिना मांगे मुझे सलाह दी है उसके लिए। कोयला, अच्छा मेरे अनुज, मैं मन से तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तुम्हें सतबुद्धि दे। हीरा, आहा क्या देवगति ऐसी ही है, मैं तेरा अनुज हूँ और तू कोयला मेरा अग्रज। अनुज क्या कह रहा हीरा कि क्या देवगति ऐसी है कि मैं तेरा छोटा हो भाई बनूं और तू मेरा बड़ा भाई बने। कोयला, हाँ यह एक सच्चाई है जिसे हम मिटा नहीं सकते। बच्चों, यह वार्तालाप किसने लिखी है, श्री राय कृष्णदास ने। इनका जन्म
कब हुआ था? 13 नवंबर 1892 को वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम स्नेही था। साधना, अनख्या, सुधांशु, प्रवाल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। ओके बच्चों, मैं आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इसकी फिर से रीडिंग करनी है।